कमिशनरेट पुलिस कब्जा में आंचल पीओ फेसबुक रे फसाई युवकों लुटुले युवती फेसबुक मेसेंजर पर व्हाट्सएप कॉल करी युवकों परिचित होते एक प्रतिष्ठित कॉलेज छात्री कही पुरीर जड़े युवकों घर को जाते से युवकों घर राति रही युवकों मिठार विष दे 10 लक्ष अधिक टंकार सुना गहना लुटे नहीं फेरार हो जाते पश्चिमबंगर युवती को गिरफ्त कर शहीद नगर थाना पुलिस एथरे आमको जने जने व्यक्ति बांकवाड़े रहंती से अभियोग करते 15/9/2021 रे शहीद नगर थाना रे जने महिला तांके संगे व्हाट्सएप थ्रू रु परिचित हेतिले से गोटे रेपुटेड कॉलेज रे एम्प्लॉय अच्छा बोली इंट्रोड्यूस करी इन्सुरेन्स मध्य करंती बोली कहि तांके घर को आसतिले आ कोनोसी आळरे तांके संगे रात्रि से घरे रहितिले रात रहला भितरे तांकर खाइबारे किछि निशा मिसै तांको बेहोश कलापुर तांको घर प्राय 10 लक्ष टंकार सुना गहना टंका मोबाइल एटीएम कार्ड लुटि नहीं थे और फेरार हो जाते ये घटना तदन कला बेलू जड़े महिला को आम गिरफ्त करूँ जी कि वेस्ट बेंगल कितु बड़िया पंडा पूरी से रोचान बेंगली गिरफ्त कराई पाखु प्राय 5 लक्ष टकर सुना गहना और किसी टाँचा जबत कराई मैंने ना से निजे निजर फोटो व्यवहार करते आउ पहला से विभिन्न लोकों फोन नंबर नहीं तांगे संगे चैटिंग करे आरंभ करते चैटिंग कला भितर तांगे संगे इंटीमेसी डेवलप कला परे से ताकु इंश्योरेंस एजेंट अच्छा बोली कही से बहाना रे तांगे पाखु जाउतले आउ ए जो भद्र व्यक्ति आपको रिपोर्ट करछन तांकु मध्ये से माने इंश्योरेंस रो बहाना तांगे घरे जाई कोनोसी आळे रे तांगे घरे रात्रि यापन करिछथि आउ निशा दे तांगे घर लूट करछथि सर ए को लोकों को टार्गेट करछन ना केमथि कहां को बतुथले एबे आम पाखे जड़े व्यक्ति ही अभियोग करें देखु तर मोबाइल रे आउ कि इनफर्मेसन आम पाखे अच्छे आम भी तदंत आनीचु ये महिला आम जहाँ आमको खबर मिली से आगु सिमिलर केस रे ताकु कलकत्ता पुलिस गिरफ्त करके फरवर्ड कर तो जड़े हैबिचुअल ऑफेंडर आउ ये आगु भी गिरफ्त हुई जेल थे आपको जमी कहली से विभिन्न लोकों नंबर में चैटिंग करती जो मैंने सागे चैटिंग करते से इंटीमेसी डेवलप कलापर तर डिटेल एड्रेस कलेक्शन कर घर पहुँचती ये भद्र व्यक्ति को सी व्हाट्सअप चैट माध्यम रे और टेलीफोन माध्यम रे कथा हालापर तक घरे जा आल किसी कर घरे से रात्रि जापन करते आर लुट करते बाबद अधिक सूचना फोन लाइन जोड़े रही रोशन रथम रिपोर्टर रोशन वर्तमान पुलिस कब्जा में आंचल व्यू अधिक अपडेट कौन आसुची पूरा एक घटना रे सविशेष तथ्य कौन रोची देखो तो निश्चित भाव रे यह पूर्व मध्य आपण जानतिबे जे एंजेल प्रिया नामक जने फेसबुक अकाउंट खोलले जने महिला एवं किबुल भाव रे चूना लगौथले लोकंकटु ए घटना सामने को आस्तला एवं शहीद नगर पुलिस आर गिरफ करथला जने महिला को एबे पुनी जने महिला सामना को आछंती जे की जने मिठा जने युवक को मिठा रे विष देई पाखा पाखी ताको 10 लक्ष टंकार सुना गहना लुटी नहींथिले जहां तथ्य मिली पुलिस पक्ष जो सूचना मिली से अनुसार महिला जनक फेसबुक रे विभिन्न अकाउंट खोलते फेसबुक अकाउंट रे से जने भुवनेश्वर नामी दामी कॉलेज रो निजर छात्री बोली दर्शाई तापर युवकों सहित चैटिंग करते सहित देखा हाबाई कहते देखा है खाद्य विष दे कि निशा द्रव्य देर जहां सुना गहना टंका पैसा जहां थी लुट करते इने शहीदनगर थाना रे मामला होता यही महिला को वर्तमान पुलिस गिरफ्त करछी से जो सब सुना अलंकार लुटी थे पाखापाखि 10 लक्ष टकर अधिक हम सुना अलंकार ताकु लुटी नहीं पड़े थे से सब को मध्य जबत कर आज संपृक्त महिला जनक कोर्ट चलाण करा सूचना मिली ओके रोशन बारंबार एभली घटना आसुची जे कथा आपण कहते कि दिन पूर्व ठीक एभली खबर प्रसारण होता और आज मध्य पुणी सामान खबर आसी पहुंचुची प्रकृत कारण कौन कौन पाई एभली घटना बारंबार सामना को आसुची पुलिस करुची कौन देखो तो निश्चित भाव में देखा पूरा घटना रे विभिन्न समय रे वर्तमान समस्त सोशल मीडिया रे एक्टिव रोचे जो पुओ जो सब पुओ माने जो झील सहित सोशल मीडिया रे चैटिंग एवं सोशल मीडिया थ्रू रे सहित प्रेम पड़ जाऊँच से माने से झील मानकर बैकग्राउंड कौन अच्छी से माने वास्तविक रे सेटा गोटे ओरिजिनल अकाउंट फेक
ଫେକ୍ ନା ନେଇ କିଏ ଚାଟିଂ କରୁଛି କି ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମହିଳା ଲୁଟେରା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାରେ ପଏଜନ୍ ଦେଇ ହଉ କିମ୍ବା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଟି ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କେସେସରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଜଣ ଯୁବକ ଏମିତି ଠକାମିର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ଯୁବକ ଜଣକ ହ୍ୟୁଜ୍ ଏମାଉଣ୍ଟର ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉଜର ସୁନା ଗହଣା ତାଙ୍କଠୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କାହା ସହିତ ଚାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନା ସେଟା ଅରିଜିନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସେ ସବୁକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ଦରକାର। ବିଲକୁଲ ରୋଶନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଗଲାଣି ବା ଏଇ କ୍ରାଇମ୍ ଅପରେଟ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥ, ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ।